हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। राष्ट्रीय ध्वज। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। इसमें तीन रंग, चौड़ाई की क्षैतिज पट्टियां हैं। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मातृ सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया और 14 अगस्त 1947 को प्रस्तुत किया गया। राज चिन्ह। भारत का राज चिन्ह मौर्य सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। भारत सरकार द्वारा यह चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय खेल। राष्ट्रीय खेल भारत का राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी है। हॉकी का उद्भव भारत में नहीं हुआ था, लेकिन 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक ने भारत की में इसकी पहचान बनी, जब भारत ने इस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रीय पंचांग। कैलेंडर। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। 78 ईस्वी में प्रारंभ हुए शक संवत का पहला महीना चैत्र का है। भारतीय संविधान ने इसे 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में ग्रहण किया। राष्ट्रीय गान। भारत का राष्ट्रीय गान गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन है। राष्ट्रीय गान को गाने का निर्धारित समय लगभग 52 सेकंड है। राष्ट्रगीत। भारत का राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित वंदे मातरम है। राष्ट्रीय पशु। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसको कि पैंथरा टाइग्रिस लिनायस भी कहते हैं। यह पीले रंग और कत्थई धारीधार लोम चर्म वाला एक पशु है। भारत में पाई जाने वाली बाघ की प्रजाति को रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय जलजीव। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 18 मई 2010 को गंगा नदी डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया। राष्ट्रीय विरासत पशु। अक्टूबर 2010 में हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया। राष्ट्रीय पक्षी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, पावो क्रिस्टेंटस है, जो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत पूरी तरह संरक्षित है। राष्ट्रीय वृक्ष। भारत में बरगद फाइकस बेंगालेंसिस को राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसे वट नामक से भी जाना जाता है, क्योंकि यह कभी नष्ट नहीं होता है। लंबे जीवन के कारण इस वृक्ष को अनश्वर माना जाता है। भारत में इसे पूज्य माना जाता है। राष्ट्रीय पुष्प। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल नेलम्बो न्यूसिफेरा है। यह हल्का गुलाबी रंग का होता है। राष्ट्रीय नदी। 4 नवंबर 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। यह भारत की सबसे लंबी नदी है, जो पर्वतों घाटियों एवं मैदानों से बहती हुई 2510 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। आई होप आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।